स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं खुद का अनुभव शेयर करूंगी और उसके ऊपर बात करूंगी। जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो लॉयल व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा कि अनलेस एंड अनटिल आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड समथिंग आई डू नॉट शेयर। जो चीज़ मैंने की है, मुझे उसका एक्सपीरियंस है, और अगर कोई मुझे क्वेश्चन करेगा सो आई कैन एक्सप्लेन ओनली दोज पार्ट्स ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन थिंग्स आई शेयर। सो टुडे आई हैव वन वेरी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस बाइनरी बिट्स। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट मत कर लीजिए क्योंकि आपको कोई कह रहा है या मैं कह रही हूँ, और किसी भी चीज़ को ऐसे ही डिनाई भी मत कर दीजिए कि आपको यकीन नहीं है या कुछ भी नहीं होता है। जस्ट डू वन थिंग। किसी भी चीज़ को टेस्ट करने का एक ही तरीका है, खुद उसको अनुभव कीजिए। अगर आपके लिए वो सही है तो वो सही है, अगर वो दुनिया के लिए गलत है लेकिन आपके लिए सही है, इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू देन इट इज़ राइट फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। सो दैट इज़ द साइन ऑफ साइंटिफिक माइंड ओनली, कि हर एक चीज़ को क्वेश्चन करो, उसका एक्सपीरियंस लो, इफ़ इट वर्क्स आउट फॉर यू, वेदर इट इज़ कमिंग फ्रॉम मी और समवन एल्स, यू जस्ट इम्प्लीमेंट इट। और अगर कुछ चीज़ें आपके दिमाग और समझ से बाहर है कि ये नहीं हो सकती, तो वो आपके लिए नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको समझ में आए, हर चीज़ आपके लिए काम करे। सो सेम थिंग इज़ विथ मी, आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस, and according to that I would like to share some knowledge, because यही मैं academic मेरा थोड़ा सा background है। so हम लोग भी बहुत ज़्यादा research करते हैं चीज़ों के ऊपर, and we publish the papers and everything। so binaural bits जो है, मुझे पता था कि ऐसा एक concept है, लोग उसको use करते, सबसे ज़्यादा height के लिए जो है वो use करते हैं, और result आए हैं लोगों ने मुझसे Instagram के ऊपर, जो एक दो लोगों ने confirm किया है height increase का। सो दे टोल्ड दिस थिंग्स ओनली, उन्होंने बाइनरल या सबलिमिनल जो मैसेज वगैरह होते हैं, अब इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हुए हैं, सो वो सुन के हाइट बढ़ाई है, वो मैंने सुना था, लेकिन मेरे पास खुद का कोई अनुभव नहीं था, तो आई थॉट दैट वीडियो नहीं बनाना चाहिए ऐसे ही। बट क्या हुआ, अच्छा मैं पहले पूरी बात बता देती हूँ आपको। संडे था तो मेरे एक सेशन ही था उस दिन, और उसके बाद मैं चली गई अपनी फ्रेंड से मिलने। और ये जो कोविड लॉकडाउन था, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे, जो मेरा क्लोज सर्कल है ना वो, और बहुत सारा ऊपर नीचे उनके घर पे भी हुआ था, समवन फ्रॉम देयर फैमिली लेफ्ट द बॉडी बिकॉज ऑफ द कोविड और ऐसे सब। तो जब मिले तो इतनी बातें, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले थे, और ओवर एक्साइटेड हो गए सब के सब, तो इतनी बातें, उनकी बातें, रोना धोना, ये वो। और फिर मिले हैं तो खाएंगे, तो ये खा लिया, वो खा लिया, और कुछ भी डाइट का ध्यान नहीं रहा, और पानी नहीं पिया इतना ज़्यादा, बस ऐसे। तो ओवर एक्टिव डे था वो, और बहुत ही हाइपर एक्टिव इमोशंस भी थे, और मैंने पानी भी नहीं पिया था, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम कर गई, खाना और बहुत सारा ओवर इंफॉर्मेशन ले लेना बहुत टाइम बाद, क्योंकि कोविड की वजह से तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, सबसे ऑनलाइन मिलते हैं, क्लासेस में भी बच्चों से ऑनलाइन मिलते हैं, ऐसे वन टू वन कॉन्टेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरा ऐसा सर दुख रहा था, जब मैं घर आई तो उसके बाद सर धीरे 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 दुख रहा था, लेकिन जब 11 बजे रात को 11:30 मेरे सर पे हथौड़े बज रहे, इतना ज़्यादा पेन कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जनरली मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी लोगों को लेट रिप्लाई मिलते हैं, बिकॉज ये टाइम होता है दैट आई ओपन अप माई सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट चेक आउट द थिंग्स, जो पूरे दिन का वो होता है, और मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा, उस टाइम पे मैं अच्छे सजेशंस भी दे पाती हूँ, सो आई एम मेजरली एक्टिव देयर। तो उस दिन तो मैंने सब बंद कर दिया, मैंने कहा मुझे कुछ चेक नहीं करना है, कमेंट्स, मैसेजेस, मुझे किसी मेल का रिप्लाई नहीं देना है। आई जस्ट क्लोज इट डाउन, आई केम अपस्टेयर्स, आई केम इनटू द बेडरूम एंड आई वाज जस्ट लेइंग डाउन।
इतना मेरा सर दुख रहा है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है। डिस्कम्फर्ट बॉडी के अंदर नेक्स्ट लेवल का उस दिन महसूस हो रहा था, और वो पता नहीं क्या हुआ था। आई डू बिलीव इन टू द प्रेयर्स एंड आई डू बिलीव इन टू द यूनिवर्स। तो मेरा तो हमेशा हर चीज़ में ये होता है कि मैं तो मदद मांगती हूँ एंजल से, यूनिवर्स से, भगवान से। आई वाज लाइक गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्या हो गया है, प्लीज़ हेल्प मी। दो मिनट हुए होंगे, आई वॉज अनकम्फर्टेबल लाइक एनी थिंग, मैंने ए सी बढ़ा दिया और ये सब, और मुझे आइडिया आया, पता नहीं क्या कहाँ से आया दिमाग में कि बाइंडर एंड बिट सर्च कर, हेड एक के रिलेटेड, माइग्रेन के रिलेटेड, जस्ट सर्च फॉर इट। मैंने सर्च किया तो जो फर्स्ट आया उसका 4.1 मिलियन व्यूज था, और उसके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़ी, बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस थे कि हाँ ठीक हो जाता है, लगाया वो। ट्रस्ट मी दोस्तों, विद इन अ थ्री मिनट्स इट जस्ट वर्क्ड लाइक अ मिरेकल। ट्रस्ट मी ऑन टू दिस, आई स्वेयर ऑन गॉड, मेरे सारे हथौड़े बंद हो गए। फिर आई वॉज लाइक कि ये कैसे काम करता है यार, क्योंकि मेरा भी तो दिमाग चलने लग गया। सो आई वॉज लाइक, मैं खड़ी होके देखती हूँ ऐसे वैसे सब, पता नहीं क्या हुआ, तो अगर मैं सर हिलाऊँ तो क्या सर दुखता है, ऐसे सब मैं चेक कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। और मुझे इतना रिलीफ फील हुआ, पता नहीं कौन सा दिमाग से घड़ा उतर गया, ऐसा लगा। आई स्लेप्ट लिसनिंग द ट्यून। फिर 2-3 बजे मैं उठी होंगी, मैंने ईयरफोन्स निकाले रख दिए, एंड देन मैं जब सुबह उठी आई वॉज वेरी फ्रेश। बट मेरा 4-5 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट जो नल हो गया था ना हेडेक, तो फिर मैंने सोच लिया उस दिन सुबह उठ के कि मैं ये बाइनोरल बिट्स का जो ये वीडियो भी है हेडेक का वो शेयर करूँगी, वो चैनल का लिंक भी शेयर करूँगी, उनको दिल से धन्यवाद है, और मैं लोगों को भी बताऊँगी ताकि जिनको भी इस चीज़ का फ़ायदा लेना है वो ले सकते हैं। सो दिस इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो। अगर किसी को वो लिंक चाहिए तो वो भी मैं पिन कर दूंगी, उनके चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को किसी और के साथ भी शेयर कीजिए, वो सच में काम करता है। और एक चीज़ समझ लीजिए कि बाइनोरल बिट्स मेरे लिए काम किया है, आप अपने लिए टेस्ट कर सकते हैं। बट जब भी आप कोई बाइनोरल बिट्स या सबलिमिनल ये जो सारे के सारे हैं उसके सबसे पहले आप व्यूज़ चेक कीजिए उन वीडियोस के, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम वॉच्ड है तो वो मैक्सिममली ट्राइड एंड टेस्टेड है, पहली चीज़ ध्यान रखिए। सेकंड, नीचे कमेंट ज़रूर पढ़िए कि अगर किसी का पॉजिटिव फीडबैक है देन इट इज़ रिलायबल, ठीक है, तो उसको यूज़ कीजिए। क्योंकि बाइनोरल बिट्स का और इनका क्या है कि वो आपके सबकॉन्शियस के साथ काम कर रहे हैं ना, सो यू आर नॉट इवन अवेयर कि वो कैसे रीप्रोग्राम कर रहे हैं। सो अगर मेजॉरिटी ऑफ द फीडबैक इज़ पॉजिटिव देन यू कैन गो फॉर इट। सो ये दो चीज़ ध्यान रखिए, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इट डज़ वर्क, यू कैन अप्लाई इट फॉर द स्किन के लिए, बॉडी के लिए, हार्ट के लिए, बहुत सारे वो सोलमेट मैनिफेस्टेशन के भी होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। बट दिस इज़ द थिंग, यू कैन अप्लाई, जस्ट चेक द व्यूज़, जस्ट चेक द पॉजिटिव फीडबैक, जस्ट चेक द कमेंट्स फर्स्ट एंड देन लिसन, क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें फीड कर रहा है। सो यू मस्ट बी अवेयर कि वो एग्जैक्टली क्या, ठीक है। होप दिस हेल्प्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वो लिंक चाहिए वो वीडियो की, सो आई विल शेयर इट इन टू द कम्युनिटी पोस्ट सेल्फ, सो बहुत सारे लोग और उस चैनल को भी प्लीज़ फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, थैंक यू।